हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी ओरस में। फ्रेंड, अगर आप लोग नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। यह बिजनेस आइडिया भारत सरकार के साथ मिलकर काम करने का है। इस बिजनेस आइडिया का नाम है आधार केंद्र फ्रेंचाइजी 2021। आप लोग आधार सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी लेके आधार कार्ड में करेक्शन, आधार कार्ड इनरोलमेंट इत्यादि का काम कर सकते हैं और अपने लोकल में बहुत ही अच्छा कमाई कर सकते हैं। यह अभी इसका शुरुआत हो चुका है क्योंकि कुछ दिन पहले आधार सेवा केंद्र मिलना बंद हो चुका था। आप लोगों को भी पता था, कुछ आपको प्राइवेसी के लेकर भारत सरकार ने यूआईडीआई ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अभी चालू हो गया है। अभी आप लोग के पास मौका है, इस मौका को हाथ से ना जाने दें। आप लोग आधार सेवा केंद्र ले लें और बहुत ही अच्छा कमाई आप लोग कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मैं पूरा बताऊंगा आगे कि इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और कुछ सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए। उस सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं बताऊंगा और उस सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एग्जाम होगा, पूरा A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ये भी आगे बताऊंगा कि जो आपका ये आधार केंद्र मिलेगा इसमें आपको ऐप में क्या क्या सर्विस मिलेगा, आप क्या क्या सुविधाएं अपने नागरिकों को दे सकते हैं। और मैं लाइव आपको एक बार आधार सेवा केंद्र का पोर्टल पे चल के लॉग इन करके मैं बताऊंगा इसमें कैसे काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आधार केंद्र ले लिया है और मेरा काम स्टार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे पास पूरा इसके रिगार्डिंग नॉलेज है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपके सामने दिख रहा हो आधार सेंटर फ्रेंचाइजी ओपनिंग डिटेल। तो इसमें पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आधार एजेंसी रिक्वायरमेंट, मतलब अगर आप आधार केंद्र का एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। तो देख लीजिए, यहाँ रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है, आपको फर्स्ट नंबर में ही आता है NSEIT सर्टिफिकेट। मतलब ये क्या होता है, आधार सुपरवाइजर है आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट। फ्रेंड, आप लोग आधार सेवा केंद्र ऐसे नहीं ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए एक सर्टिफिकेट का जरूरत होता है जो बहुत ही नेसेसरी है। जब तक ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा आपका आधार सेवा केंद्र चालू नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो NSEIT के सर्टिफिकेट है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे देंगे, इसका एग्जाम कैसे देंगे और आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ ब्राउजर पे, वहाँ पे दिखाता हूँ कैसे इसका अप्लाई करते हैं। देखिए फिर, ये है NSEIT का ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने डायरेक्ट आपको लॉगिन पेज पे लेके आया हूँ, यहाँ से आप लोग सभी काम कर सकते हैं। ये है लिंक, आपको देख लीजिए, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नरवरी लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आप लोग आ सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को पहले सर्टिफिकेट लेने के लिए इसी वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद आपको अगर पहले से आपने रजिस्टर किया है तो ID पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करके आपको अपना ID बनाना है। ID बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन दिया है, पहले इसको आप केयरफुली देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले, आपको क्या क्या चाहिए आधार ऑपरेटर एग्जाम के लिए, आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव लेटेस्ट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार फॉर OTP वेरिफिकेशन। सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए क्योंकि उसी नंबर पे ही OTP आएगा। एक ये चीज़ आप पहले रख लीजिए रिक्वायरमेंट में। दूसरा चीज़ आपको देख लीजिए, ये है दूसरा, आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर देख लीजिए, द आधार नंबर शुड बी ब्लैक लिस्टेड बाई एनी इनरोलमेंट एजेंसी। आपका जो आधार कार्ड है वो किसी भी इनरोलमेंट एजेंसी से ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पहले से आधार सेवा केंद्र या आधार का काम किया है आधार सेंटर लेके, तो आपका ब्लैकलिस्ट हुआ होगा तो आपको आधार का एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी 18 ईयर्स एज, आपका कम से कम एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए आधार कार्ड में। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो है उस सर्टिफिकेट के रोल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सुपरवाइजर का ऑपरेटर का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। ये आप लोगों को देखना हो, मतलब मिनिमम आप 10th और 12th भी किए होंगे तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, बस यही आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद कैंडिडेट मस्ट बी लेटेस्ट कॉपी ऑफ ई आधार डाउनलोड आफ्टर 1 मार्च 2019, मतलब आपको अभी लेटेस्ट आधार के वेबसाइट पे जाके ई आधार डाउनलोड कर लेना है, मतलब जो PDF फाइल आता है उसको डाउनलोड करके आपको रखना होगा। उसके बाद लास्ट, उसके आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव
आधार पेपरलेस्ट ऑफलाइन ई केवाईसी XML XML आपको एक चाहिए, इसको अपलोड करना होता है रजिस्टर के समय। ऑलरेडी यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर पार्सिंग का यहाँ पे PDF वगैरह ट्रेनिंग वर्निंग दिया गया हो, इस इंस्ट्रक्शन को आप लोग देख लीजिएगा इस लिंक पर क्लिक करके। एक बार इस पे सबसे पहले रजिस्टर करने से पहले इस सबको विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को आसानी होगा, फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप पेमेंट, आप इसको नेट बैंकिंग या कुछ से भी कर सकते हैं, समथिंग आपको 500 का इसका पेमेंट होता है। तो आप लोग ऐसे आके इसको यहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शन पढ़ के, उसके बाद नया है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक कीजिएगा। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे XML फाइल मांग रहा है, वहीं XML फाइल आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा। अपने आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाके UDI का, वहाँ से XML फाइल बना के यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको आगे का पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आपको पूरा डेटा अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, आप पेमेंट करके सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना सेंटर चूज करने का ऑप्शन आएगा, एग्जाम का डेट मिल जाएगा कि इस डेट में आपको इस सेंटर पर एग्जाम है, वहाँ पर जाके आपको अपना एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो सिंपल सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो NACIT की तरफ से सर्टिफाई होगा। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का यहाँ पे योर नेम होगा आपका, यहाँ पे आपका जो पास आपने किया जिस लेवल से, और आपने ऑपरेटर पास किया था यहाँ पर ऑपरेटर दिखाई देगा, यहाँ पे सुपरवाइजर किया है तो सुपरवाइजर दिखाई देगा, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने जो दिया होगा, यहाँ पे एग्जाम का लैंग्वेज जिस लैंग्वेज आपने एग्जाम दिया होगा, यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू हो, यहाँ पे कैलेस हो, तो इस तरह से आपका ये सैंपल सर्टिफिकेट होगा। यही सर्टिफिकेट आपको आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर में आपको देना होगा सेंटर लेने के समय। अगर एग्जाम का सेंटर डिटेल्स देखना हो तो यहाँ पे सेंटर डिटेल्स भी देख सकते हैं, जिस भी आप स्टेट के हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे अपना जो भी आपका नियर अबाउट सिटी है उस सिटी को सेलेक्ट करें और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आसपास का जो भी सेंटर होगा जहाँ पे सिटी में, उसका डिटेल आ जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लॉट बुक करना हो एबिलिटी के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक हियर कीजिएगा। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है, इस समय अपना स्टेट सेलेक्ट कर लाओ। यहाँ पे जो भी आपका सिटी है उस सिटी को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट डेट सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, तो आपको पूरा आगे का डिटेल आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग अपना सेंटर का डिटेल देख के अप्लाई कर सकते हैं, और हाउ टू अप्लाई करना है तो यहाँ से वो भी डिटेल दे सकते हैं। इसका PDF फाइल आपको मिल जाएगा A to Z, जिस लैंग्वेज में चाहते हैं यहाँ से इसको भी देख सकते हैं आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो ये तो हो गया आपका सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल मैंने दे दिया कि कैसे आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं आधार सेंटर का खोलने के बारे में जानकारी। तो फर्स्ट हमने कवर कर दिया NS सर्टिफिकेट आपको आधार से ऊपर जाएगा। दूसरा में आधार क्रीडेंशियल फाइल, मतलब आधार सेंटर ID और पासवर्ड। क्या होता है फ्रेंड, जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट एजेंसी होगा, मतलब आपको एक रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के पास आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट भेजना होता है। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आपका आधार क्रीडेंशियल फाइल बनता है, उसी फाइल से आपका ये आधार का जो सेंटर है लॉग इन होगा, जो इसका ऐप आता है आधार का उसको लॉग इन कर पाएंगे, अदरवाइज आपका लॉग इन नहीं होगा। आधार की डिजिटल फाइल में यही सब चीज होता है। आगे और भी देख लेते हैं डिटेल। आगे है आधार कार्ड इनरोलमेंट करेक्शन मशीन में, मतलब मशीन में आपको कुछ चाहिए, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, आईडी स्कैनर चाहिए, GPS ट्रैकर चाहिए, लाइट्स वगैरह चाहिए। ये सब चीजें आपको एकदम जरूरी है, नेसेसरी होना चाहिए। इसमें आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, एक प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए। उसके बाद किसी जहाँ से भी अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं उस वहाँ से परमिशन होना चाहिए, जैसे बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक से कॉन्टेक्ट करें, CSC से लेना चाहते हैं तो CSC से आपको परमिशन होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आगे पूरा लाइव आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई करके आधार सेंटर कहाँ से ले सकते हैं। तो आगे के मैं डिटेल में आपको स्टेप में बताऊंगा। तो चलिए आगे के डिटेल देख लेते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं आधार सेंटर में आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा। जब आपका आधार केंद्र बन के आपको आधार केंद्र मिल जाएगा, तो उसमें आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं अपने नागरिकों को। देखिए इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, नया आधार कार्ड बनाना, मतलब आधार इनरोलमेंट, मतलब आप किसी भी बच्चे का, जवान का, जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं, मतलब नया आधार कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा में आधार कार्ड में सुधार करना, आप आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। सुधार में जैसे उसका नाम सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप सभी सुधार कर सकते हैं।
उसके बाद आप आधार कार्ड फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और किसी के पास आधार कार्ड का कोई डिटेल नहीं है, जैसे उसके पास रिसीविंग नहीं है या उसका आधार नंबर पता नहीं है, बस उसका फिंगरप्रिंट से उसका नाम डिटेल डाल के आप उसका आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। बच्चों का आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं, NRI आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं, इंडिया से बाहर का भी कोई आधार भारत में नागरिक है और इनरोलमेंट करना चाहता है उसका भी कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट आधार प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आधार PVC कार्ड भी बना सकते हैं। तो ये सब सर्विस आपको मिलेगा, इतना आप सर्विस अपने ग्राहक को दे सकते हैं। अब आगे चलिए, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताता हूँ कि कहाँ से आप लोग आधार सेवा केंद्र अभी ले सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको ब्राउजर पर लेकर चलता हूँ, आपको पूरे डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप लोग आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको CSC से लेना होगा। CSC का मतलब होता है कॉमन सर्विस सेंटर। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कुछ जरूरी चीजें। आपको CSC से आधार सेवा लेने के लिए आपको CSC का पहले VLE बनना होगा। CSC का VLE बनने के लिए आप CSC की वेबसाइट पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और भी आप दूसरी जगह से भी आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं, जैसे बैंक से। आप अपने नजदीकी बैंक में पता करें जहाँ पे आधार सेवा केंद्र की वैकेंट सीट है, वहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप इंडिया पोस्ट से बात कर सकते हैं, या आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या UTI भी ये कंपनी है जो भी आप अभी आधार सेवा केंद्र दे रही है। मैं अभी जो बताने वाला हूँ आपको CSC के द्वारा बताने वाला हूँ, जो CSC से अभी आधार सेवा केंद्र मिल रहा है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ऊपर ही आपको दिख जाएगा, डेमोग्राफिक अपडेट थ्रो अपडेट क्लाइंट लाइट UCL। यहाँ पर देखिए, द रेजिडेंट हु विड गो टू इनरोलमेंट विद आधार इनरोलमेंट प्रोसेस मे हैव सम इंफॉर्मेशन करप्टेड इन डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक डिटेल्स लाइक। मतलब यहाँ से आप लोग सुधार का काम कर सकते हैं, डेमोग्राफिक को या बायोमेट्रिक को। ये अगर सेंटर आपको मिल जाता है CSC के द्वारा, आपके काम कर सकते। देखिए यहाँ पे अबाउट डेमोग्राफिक अपडेट एंड UCL के बारे में बताया गया। यहाँ पे UCL अप्लीकेशन फॉर CSC के रिगार्डिंग पूरा बताया गया है। यहाँ पे देखिए VLE को मिलता है पूरा लिखा हुआ है। UCL के क्या क्या आपको पहले से रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ पे दिया गया है। आपको वहीं लैपटॉप वगैरह में जो चीज़ पहले ही आपको मैंने बता दिया है सब कुछ, कुछ रिक्वायरमेंट होता है ये सबको फुलफिल करना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। अगर आपके पास CSC ID है तो यहाँ पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। नॉर्मली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका CSC ID बता देगा, पहले से है CSC ID, तो आपका ईमेल ID रजिस्टर्ड बता देगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए अपने स्टेट टीम का CSC का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, पूरे स्टेट टीम का आपको डिटेल मिल जाएगा, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने CSC के द्वारा मैंने ले लिया है मैंने आधार सेवा केंद्र, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे दिखाएगा फील। देखिए यहाँ पे मेरा दिखा रहा है क्लिक करने पर, डियर वेली यू हैव ऑलरेडी फिल्ड UCL रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऑलरेडी मेरा CSC के द्वारा आधार सेवा केंद्र चालू हो गया है, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी मैंने दूसरे कंपनियों का भी मैंने बारे में बता दिया, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अपने नियर अबाउट बैंक से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग आके CSC के द्वारा आधार UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, और यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।